नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। किया कैरेंस के बारे में जो है आज बात करेंगे। सेवन सीटर एक सेगमेंट में जो है किया की अभी तक कोई गाड़ी नहीं थी। हुंडई ने हालांकि अपनी एल्केजार को जो है वो लॉन्च कर दिया था, तो उसी के कंपटीशन में या आप मान लो दोनों ही जो ब्रांड है वो सिमिलर ही ब्रांड आप मान लो, तो किया कैरेंस जो है वो अब मार्केट में आ गई है। सिक्स और सेवन दो ऑप्शन में जो है वो आपको ये वाली गाड़ी मिलने वाली है। प्राइस की बात जो है वो हम लास्ट में करेंगे, पहले जो है हम आपको गाड़ी के बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल्स बता देते हैं। तो सबसे पहले तो गाड़ी जो है वो सेल्टोस के प्लेटफॉर्म पे जो है वो डिपेंड करेगी। सेल्टोस जिस प्लेटफॉर्म पे आती थी उसी प्लेटफॉर्म पे जो है आपकी कैरेंस आएगी। जो इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे वो मिलेगा जो आपको सेल्टोस में मिलते हैं, यानी कि 1.5 लीटर का आपको नेचुरल एस्पिरेट मिलेगा, 1.4 लीटर का पेट्रोल आपको टर्बो मिलेगा और 1.5 लीटर का आपको डीजल मिलेगा। उसके साथ जो आपको गेयरबॉक्स की सपोर्ट मिलेगी वो आपको मिलेगी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टोर कन्वर्टर जो डीजल के साथ मिलेगा और 7 स्पीड DCT जो आपको पेट्रोल के साथ मिलेगा। हालांकि IMT का जो ऑप्शन है वो अभी तक इस गाड़ी में नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, बाद में अगर आ जाए तो उसका कह नहीं सकते, बट अभी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये इसका लग्जरी प्लस वेरिएंट है, हालांकि टॉप एंड वेरिएंट जो है वो आपका यही वाला गाड़ी का होने वाला है। आपको टोटल जो है गाड़ी में 5 वेरिएंट देखने के मिलेंगे, प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी एंड लग्जरी प्लस, ये 5 वेरिएंट जो है वो आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स जो है वो एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि सेल्टोस को जो है वो 3 स्टार की रेटिंग सिर्फ यहाँ पे मिली थी, तो जो आपको सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में मिलेंगे वो अक्रॉस बेस्ट टू टॉप जो है वो सब गाड़ियों में आपको सेम मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा वो भी हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फिर गाड़ी के बारे में जो है बाकी की बातें कर लेते हैं। तो चलिए एज यूजुअल कर लेते हैं गाड़ी की चाबी स्टार्ट। गाड़ी की चाबी जो है वो आपको सेल्टोस में जैसी देखने के लिए मिलती है वही सेम चाबी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। लॉक, अनलॉक, इंजन स्टार्ट और आपका बूट जो है वो अनलॉक करने के लिए आपको बटन मिल जाएगा। दोनों ही चाबियां जो है वो आपको रिमोट की यहाँ पे मिलने वाली है। गाड़ी के टॉप एंड है इसलिए आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का जो है होना लाजमी यहाँ पे फीचर्स बन जाता है। जो डिजाइन पैटर्न है उसमें किया ने जो है काफी बढ़िया चेंज किया है। यहाँ पे आप ग्रिल देख पा रहे होंगे ना, कोई भी स्पेस जो है वो आपको ओवरऑल ग्रिल में नहीं दिखेगा। रेडिएटर के लिए जो है वो आपको नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और इसके बाद जो आपकी नंबर प्लेट आएगी उसके नीचे जो है वो स्पेस मिलेगा। देखने में सामने से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी जो है गाड़ी छोटी लगती है, सामने की तरफ से सिर्फ बता रहा हूँ, थोड़ी सी देखने में छोटी छोटी लगती है। जब आप साइड में जाएंगे ना तो गाड़ी आपको जो है काफी बड़ी देखने के लिए मिलेगी। साइड से जो है थोड़ा सा XLS 6 के जो है थोड़ा सिमिलर होती हुई आपको गाड़ी दिखेगी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर आप जो ये देख रहे हैं ये आपकी जो है DRL और टर्न इंडिकेटर दोनों ही जो है वो इसमें होने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं किया इनको जो है स्टार मैप LED DRL कह रहा है। इसके बाद आपको जो है नीचे यहाँ पे मिलेगी आपकी LED हेडलैम्प, दो जो है ये आपके लो बीम के लिए, एक जो है आपका हाई बीम के लिए। जो इनकी क्वालिटी है वो यहाँ पे जो है काफी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि किया की गाड़ियों में जो है लाइट की क्वालिटी काफी बढ़िया यहाँ पे मिलती है। नीचे आप ये LED यहाँ पे फॉग लैम्प जो है वो गाड़ी के देख सकते हैं। क्रोम का जो है सामने की तरफ काफी बढ़िया यूज किया गया है, एक जो है टाइगर नोस के डिजाइन का जो है वहां पे पैटर्न रखा गया है सामने की तरफ से। जब आप गाड़ी को देखेंगे तो क्रोम का जो यूज है वो काफी जो है वो बढ़िया देखने में लग रहा है। पार्किंग सेंसर्स जो है आपको गाड़ी में सामने की तरफ 4 मिल जाते हैं, हालांकि आपको टॉप एंड में भी 360 का जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता। काफ़ी लोगों को जो है 360 डिग्री कैमरा का जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है सेल्टोस में, बट आपको कैरेंस में जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आप रेन सेंसिंग वाइपर्स के जो सेंसर्स हैं उनका यहाँ पे फीचर देख सकते हैं। जो वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गाड़ी में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जो है वो की गई है। साइड लुक की बात करें तो साइड से जो है वो गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। 4240 mm का जो है वो आपको ओवरऑल गाड़ी की लेंथ मिलती है। अगर एल्केजार से कंपेयर करें तो 40 mm जो है वो आपको गाड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो उसी हिसाब से जो अंदर का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे कैरेंस में हो जाता है। जब आप अंदर जाएंगे तो हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। 16 इंच के अलॉय जो है वो आपको गाड़ी में मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको जरूर होगी, क्योंकि जो आपकी सेल्टोस आती है वो 17 इंच और 18 इंच के ऑप्शन के साथ भी आपको मिल जाती है। जो टायर का साइज़ है वो 205/65 R16 का जो है वो होने वाला है। बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे 15 इंच के स्टील रिम मिलेंगे और बाकी जो वेरिएंट्स है वहाँ पे 16 इंच के आपको स्टील रिम मिलने वाले हैं, साथ ही अलॉय जो है वो भी 16 इंच के मिलने वाले हैं। जो टायर की विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी है, तो ब्रेकिंग क्वालिटी पे जो है वो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा, बट उससे एवरेज जो है वो गाड़ी की यहाँ पे
बढ़ सकती है, ऐसा किया का जो है वो मानना है। साइड में भी क्रोम का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है टॉप एंड में। ऊपर आप देख सकते हैं डोर बिडिंग के पूरा जो है आपको क्रोम का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यूज मिलेगा। डोर हैंडल्स पे क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज है और नीचे इधर आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश का जो है यूज मिलेगा। बेस टू टॉप आपको सारे वेरियंट्स में जो है 4 डिस्क गाड़ी में मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है। ब्रेकिंग को जो है डिस्क की वजह से थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। ORVM आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और काफ़ी जो है बढ़िया साइज़ के आपको ORVM मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है। हुंडई और किया ग्रुप की गाड़ियों में थोड़ी सी ये जो है कॉस्ट कटिंग की जाती है कि आपको पैसेंजर साइड जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाता। तो चलिए गाड़ी के पीछे चलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं बात करूँ तो 195 mm का जो है वो आपको गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। पीछे का आप लुक देख सकते हैं, पीछे का लुक जो है वो जैसा मैं आपको बता रहा था XLS6 के जो है थोड़ा सा सिमिलर होती हुई गाड़ी मेरे को ये देखने में लग रही है। पता नहीं मुझे ही लग रही है या उससे सिमिलर थोड़ी सी भी है भी। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना यहाँ पे दिख जाता है और आपके जो है रूफ रेल्स वहाँ पर दिख जाते हैं। स्पॉइलर है, स्पॉइलर में ही आपको इंटीग्रेटेड यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। उसके नीचे आपको वाशर डिफोगर एंड वाइपर की जो है वो प्लेसमेंट मिल जाएगी। किया की बैजिंग है, कैरेंस की बैजिंग है और ऑटो की जो है वो आपको बैजिंग मिलती है। वेरिएंट की जो है कोई भी बैजिंग अब गाड़ियों पे आनी बंद हो गई है। काफ़ी सारी गाड़ियों में जो है वेरिएंट की कोई भी बैजिंग आपको नहीं मिलती। अगेन जो आपकी पीछे वाली लाइट है ये पूरी LED सेटअप जो है वो होने वाला है और स्टार मैप जो है वो ये वाली लाइट इसको किया कहता है। नीचे आप देख सकते हैं जो बम्पर में क्रोम का फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया गया है। सुंदर भी जो है वो देखने में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जो है इस पर यूज है और बढ़िया नहीं लग रहा गाड़ी में। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको जो है पीछे भी दिए जाते हैं। कैमरा की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं नंबर प्लेट के ऊपर है और आपको 2 ही जो है यहाँ पर हेलोजन लैम्प मिल जाते हैं आपकी नंबर प्लेट के लिए। 47 लीटर का जो है वो आपको यहाँ पर फुल टैंक देखने के लिए मिलेगा। डीजल और पेट्रोल 2 ऑप्शन में जो है वो आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है। 7 सीटर गाड़ी होने के बाद बूट स्पेस कितना बचता है वो भी एक जो है वो बड़ा मसला रहता है। तो बूट चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर जो है वो आपको मिलता है। की में भी जो है वो आपको बटन मिल जाता है। बूट अगर मैं आपको सही बताऊं तो सफारी जो है उससे ज़्यादा बूट आपको गाड़ी में मिलेगा। एल्कज़ार से भी जो है वो ज़्यादा बूट आपको यहाँ पे मिलेगा। आराम से जो है वो आप अपने 3 पिट्ठू बैग गाड़ी में रख सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और अगर आप इसका रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दें, ये आप देखिए, तो उसके बाद जो है वो आपको काफ़ी सारा बूट देखने के लिए मिलेगा। सब वूफर की प्लेसमेंट है और आपको इधर बूट में एक हुक वगैरह जो है वो ये मिल जाता है। बूट लैम्प भी जो है वो आपको गाड़ी में मिल रहा है। अगर आपको फिर भी जो है काफ़ी सारा सामान कैरी करना है तो आप आराम से जो है वो इनको, एक सेकंड, इसको पूरा डिक्लाइन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी जो है फ्लैट फोल्ड यहाँ पे हो जाती है। जो आपके सामने वाली सीट है वो भी आपकी जो है 60-40 के रेशो में पूरी फोल्ड हो जाती है। तो बूट में आपको जो है कोई भी समस्या नहीं आएगी। बूट के हिसाब से जो है वो गाड़ी ठीक ठाक मुझे यहाँ पर लग रही है। ऊपर आप इसको ग्रैब करके बंद कर सकते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो है वो कोई भी आपको फीचर यहाँ पर बंद करने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की 3rd रो पे और देखते हैं कि स्पेस कितना है। जब आप एक 7 सीटर गाड़ी लेते हैं तो स्पेस की जो है वो कमी आपको कहीं नहीं लगनी चाहिए 3rd रो में स्पेशली। तो देखते हैं किया कैरेंस जो है वो कितनी खरी उतरती है इस चीज पे। एक बार मैं आपको डोर दिखा देता हूं। तो डोर जो है वो काफी ज्यादा वाइड है, आराम से जो है वो आप इनग्रेस और एग्रेस गाड़ी में कर सकते हैं। डोर पे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलती है, थोड़ा सा ब्लू कलर की जो है वो आपको यहाँ पे फिनिश मिलती है। ब्लू कलर के बारे में भी आगे जाके जो है वो बात करेंगे। यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक थोड़ा सा पैटर्न मिलता है और आपकी जो है विंडो अप डाउन के यहाँ पे स्विच है। इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटीरियल ये और ये यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे, सिर्फ 2 जगह ही आपको जो है वो मिलता है। यहाँ पे भी स्पेस है, आप आराम से फोन तो नहीं रख पाएंगे बट कुछ छोटी मोटी चीज जो है वो रख सकते हैं। इधर 2 बोतल होल्डर है और आपके बोस के स्पीकर्स की जो है वो प्लेसमेंट है। ऊपर आप ये देख सकते हैं आपको सन ब्लाइंड्स जो है वो मैन्युअली यहाँ पे दिए जाते हैं। सेकंड रो के बाद जो है स्पेस कितना है उसके बारे में बाद में करेंगे। सामने वाली जो सीट्स है वो हमने एडजस्ट अपने हिसाब से कर ली है और ये वाली रो को जो है हम सबसे पहले सबसे पीछे जाके बात करेंगे और फिर इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके भी बात कर लेंगे कितना सारा स्पेस जो है वो आपको मिलता है।
60-40 के रेशियो में जो है ये वाली आपकी रो स्प्लिट हो जाएगी। और एक जो बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी गई, ये बटन जो है वो आपको मिलता है वन टच, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप हाइड्रोलिक्स की मदद से जो है ये आपकी सीट सिर्फ वो बटन दबाने से पूरी फोल्ड जो है वो हो जाती है। अब देखिए आप, जैसा मैं आपको बताता स्पेस जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है इसके अंदर जाने के लिए। अंदर चलते हैं और स्पेस के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। तो चलिए सीट को जो है वो पूरा पीछे कर लेते हैं। ये हमने कर लिया है इसको पूरा पीछे, एक बार देखना पूरा पीछे, हाँ पूरा बैठ के एक बार अपने हिसाब से एडजस्ट, पहले पूरा पीछे कर ले उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया पूरा पीछे जो है ये है, मेरी हाइट 5'7" है और मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना सारा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अल्कज़ार से जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा और मिल सकता है स्पेस यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद, ये सही है। तो इस सीट जो है ये 5'8" के बंदे के हिसाब से एडजस्ट हो गई है और उसके बाद जो है वो काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है। एक्चुअली मैं आपको अगर आपको बताना चाहूँ तो जो थाई स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है। 5'8" के बंदे के हिसाब से जो है ये सीट आपकी कंफर्टेबल होने वाली है, बिल्कुल कंफर्टेबल होने वाली है। 6 फीट का अगर आप बंदा बिठाते हैं तो थोड़ी सी आपको जो है वो कमी महसूस हो, बट 5'8" के बंदे के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको जो है नहीं होगी। यहाँ पर कप होल्डर है, थोड़ा सा स्पेस है, एक आपको सी टाइप के लिए फास्ट चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी सीट है इनको आप रिक्लाइन जो है वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी जो है पोजीशन है रिक्लाइन की, इस साइड में आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरी जो है वो रिक्लाइन है, इसके बाद आप इसको एडजस्ट जो है वो भी कर सकते हैं आराम से, कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। सीट्स बढ़िया है, 7 सीटर के हिसाब से जो है आप आराम से गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। एडजस्टेबल आपको जो है 2 हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं और दोनों ही तरफ आप देख पा रहे होंगे तो सी टाइप के आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल रहे हैं। पूरी आपको प्रॉपर 3 पॉइंटर जो है वो सीट बेल्ट गाड़ी में देखने के लिए मिलेगी। बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपका जो क्वार्टर पैनल है वो भी ठीक ठाक साइज का है, आप आराम से जो है रूमी रूमी सा फील करेंगे। ऊपर आपको AC वेंट्स मिलते हैं और इनमें आपको ये एक बटन मिलता है जो कि आपकी जो है इसको ऑन ऑफ करेगा और डिफ्यूज जो है वो करेगा, मतलब आपको जो है एक थोड़ा सा बिखर के जो है इसकी हवा आएगी। कैबिन लैंप जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक जो आप देख रहे हैं, अगर आपका जो है तीसरा पैसेंजर यहाँ पे इस सीट पे नहीं बैठता है तो आप इसको जो है फोल्ड करके इसको आर्मरेस्ट और कप होल्डर के जैसे यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को इसकी थर्ड रो गाड़ी की, अल्कज़ार से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आराम से जो है आप इस पे एडजस्ट हो पाओगे। तो चलिए अब सेकंड रो पे चलते हैं और वहाँ पे जाके जो है स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन मैं इसको प्रेस करूँगा और जो सीट है वो मेरी आगे चली जाएगी। काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो किया ने दिया है, बट इसमें एक छोटी सी कमी है कि आप दूसरी तरफ जो है वो बटन आपको नहीं मिलता मैनुअली, जैसे आप नीचे से करते हैं ना एडजस्ट, वही जो है आप उसको वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। इसको कर लेते हैं सीधा, यहाँ से आप जो है इसको रिक्लाइन वगैरह और मैन्युअली भी जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड रो की अगर हम बात करें तो सेकंड रो भी गाड़ी की काफी ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल है, थाई स्पोर्ट जो है वो काफी बढ़िया है, लेग रूम नी रूम जो है वो बढ़िया है, कोई भी समस्या जो है मेरे को स्पेस में गाड़ी की किसी भी रो में जो है वो अभी तक नहीं लगी है। इधर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये एक आपको जो है एक सेकंड ये आपको एक ट्रे टाइप जो है वो मिल जाती है, ग्लास होल्डर है, इसमें आप अपना आईपैड वगैरह जो है वो रख पाएंगे, ये भी ठीक है, थोड़ा सा जो है यूजफुल फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर सेंटर में आपको यहाँ पर मिल जाता है अपना ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए आपका स्विच जो आपका फ्लो जो है वो कंट्रोल करेगा। नीचे आपको 2 USB Type-C के जो है वो सॉकेट मिल जाते हैं, तो पीछे 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं और एक जो है वो आपको आगे मिलेगा, जब हम आगे जाएंगे तो उसके बारे में जो है वो देखेंगे। इधर आपको थोड़ा सा स्पेस जो है वो मिलता है, पता नहीं किस यूज का है, बाकी आपको जो है वो मिल रहा है। आर्मरेस्ट को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको एक
ये मिलता है, इसको आप खींचेंगे। कैसे होगा ये खींची इसने? ओके, आपको इसको खींच के जो करना पड़ता है, अपने एक हाथ में कैमरा है तो आपको दो हाथ की जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये ऐसा करने के बाद थोड़ा सा जो है वो और दिख रहा है, बट ठीक है, आप आराम से जो है इसके ऊपर हाथ वगैरह टेक के और रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आपके पास कप होल्डर जो है वो नहीं होते, बट ये ठीक है, यूजफुल जो है वो चीज़ ये भी मेरे को यहाँ पे देखने के लिए लगी। सिर्फ दो ही जो है वो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, तीसरे पैसेंजर के लिए आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता। और एक जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, ये आप सोच रहे हैं ये यहाँ पे क्या लगा दिया, तो ये एक स्मार्ट प्योर एयर है, मतलब एयर प्योरीफायर है, जो वायरस प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपके लिए करेगा। इसकी प्लेसमेंट जो है मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करना। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी जो है वो डिस्प्ले आपको मिलेगी यहाँ पे, आपके मोड्स, डिस्प्ले को, फिल्टर वगैरह, पावर वगैरह जो है ये। बच्चे बच्चे जो है वो थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, बाकी ठीक है, थोड़ा सा जो है वो अजीब तो मेरे को लगा। इसका इसकी जो प्लेसमेंट है वो एज यूजल जो किया की गाड़ी में होती है, आर्मरेस्ट के नीचे, वहीं पर जो है देनी चाहिए थी। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो है AC वेंट्स वगैरह जो है वही मिलते हैं जैसा आपको पीछे मिलता है, और एक आपको कैबिन लैंप यहाँ पे भी मिलता है। तो गाड़ी में टोटल आपको जो है तीनों सीट्स के लिए डेडिकेटेड कैबिन लैंप जो है वो मिल जाते हैं। अगेन सनब्लाइंड है आपकी, और आपका जो है यहाँ पे फोल्डेबल डोर हैंडल वगैरह जो है ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। सीट बेल्ट जो है ये भी जो है आपको एडजस्टेबल मिल रही है। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे है। गाड़ी में टोटल जो है 6 एयरबैग आपको मिलते हैं। तो कुछ ऐसी है इसकी सेकंड रो। सेकंड रो मेरे हिसाब से जो है वो कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया सेकंड रो जो है वो बनाई है। थर्ड रो भी, सेकंड रो का स्पेस अगर एडजस्ट करें तो थर्ड रो भी जो है वो बढ़िया यहाँ पे हो जाती है। सनरूफ अगर लोगों को पसंद है पैनारोमिक, तो वहाँ पे छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि सनरूफ आपको छोटे से साइज़ की जो है वो मिलती है। यहाँ पे AC वेंट वगैरह जो है वो आ गए, इसलिए पैनारोमिक सनरूफ जो है शायद यहाँ पे नहीं दे पाई किया वाले, बट ठीक है, सनरूफ जो है आपको सेकेंड रो से भी जो है ठीक ठाक विजिबल जो है वो होने वाली है। तो चलिए ड्राइवर साइड चलते हैं और वहाँ के फीचर्स की जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि किया और हुंडई ग्रुप की गाड़ियाँ जो है अपने फीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। तो क्या क्या फीचर्स आपको करेंस में मिले हैं, कुछ अपडेट मिला है नहीं मिला है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बात करते हैं। डोर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपके जो नॉर्मल किया की गाड़ियों में होते हैं सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ यहाँ पे आती है। ऊपर ट्विटर की यहाँ पे प्लेसमेंट है, हल्की सी जो है वो आपको ये सिल्वर फिनिश की पूरी यहाँ पे गार्निश मिल जाती है। अगेन ग्लोसी ब्लैक है, और थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो थोड़ा टेक्सचर का जो है वो यूज किया गया है। डोर में जो है वो तीन बोतल होल्डर आपको मिलते हैं, एक दो तीन, और एक अम्ब्रेला होल्डर जो है वो मिल जाता है, वही थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। ब्लू कलर जो मैं कह रहा था, तो ब्लू कलर का थीम आप देख पा रहे होंगे पूरी गाड़ी में जो है वो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का यूज। एक बार जब स्टार्टिंग में देखते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है वो अजीब ये दिखेगा, बट रेगुलर यूजेज के हिसाब से जो है वो आपको ये पसंद आने लगेगा। मुझे जो है जब मैंने एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, थोड़ा सा अजीब लगा था, बट अब एक दो घंटे हो गए हैं गाड़ी के साथ तो जो है थोड़ा सा ठीक ठाक जो है ये लगने लगा है। हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको सीट में मिलती है, बट मैनुअल जो है वो एडजस्टेबल आपकी सीट होने वाली है। नीचे आपको फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए एक बटन मिलता है, इधर आपको अपने हुड को ओपन करने के लिए एक बटन मिलता है, इधर देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक बटन है, आपका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का जो है वो बटन आपको यहाँ पे मिलता है। तीन मोड जो है वो आते हैं, जैसा कि इसकी डिस्प्ले में अपन देख पा रहे होंगे, आपको जब मैं अंदर जाऊँगा तो ये चीज़ जो है वो दिखाऊँगा, और आपका हेडलैम्प लेवलर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये छोटा सा स्पेस है, कॉइन वगैरह जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। AC वेंट्स है, ग्लोसी ब्लैक का अगेन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है डैशबोर्ड पे, ग्लोसी ब्लैक का थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट जो है वो यहाँ पे हो जाता है, और जो मिट्टी विट्टी है ना वो भी आपकी इस पर बढ़िया से जो है वो आपको जमी हुई दिखेगी अगर आप गाड़ी को साफ नहीं करते हैं तो रेगुलर। ओके, तो स्टेयरिंग से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेयरिंग आप देख रहे हैं रैप्ड है, ब्लू कलर में ही अगेन रैप किया गया है। लेफ्ट साइड में आपके मीडिया के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स जो है वो मिलते हैं, और राइट साइड में आपके इधर एक क्रूज कंट्रोल है, और इधर आपको MID को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। डी कट स्टेयरिंग है, और जो इसका एडजस्टमेंट है वो दिखाता हूँ आपको। तो सिर्फ टिल्ट जो है वो एडजस्ट यहाँ पे ये होने वाला है।
कारेंस की जो है वो आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी। गाड़ी में अभी तक कोई भी GT लाइन ऐसा कुछ जो है वो नहीं अभी तक आया है, तो उसकी कोई बैजिंग जो है वो आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल गाड़ी का नाम जो है वो लिखा गया है। पैडल शिफ्टर आपको मिल जाते हैं टॉप एंड में, और कुछ ऐसी जो है वो आपको डिस्प्ले मिलती है। ये आप देखिए, जो आपकी MID है उतनी ज़्यादा बेहतरीन तो इसको मैं नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट ठीक है, ठीक ठाक जो है वो लग रही है। काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो आपको ये दिखाएगी। ये आप देख सकते हैं, आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी आपको जो है बेस टू टॉप सभी वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी बढ़िया जो है किया ने किया है। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी कब रिफ्यूल हुई थी, एकोमुलेटेड इन्फो है, ड्राइव इन्फो जो है वो गाड़ी की आपको मिलती है। यहाँ पर आपका कंपस है, और जो मैप वगैरह है, डायरेक्शन वगैरह, वो भी आपका जो है ये छोटी सी MID सेंटर में आप देख रहे हो, यही जो है वो छोटी सी आपको MID मिलती है। इधर आपकी स्पीड है और इधर आपको आपका टैकोमीटर मिलता है, डिजिटल जो है वो सारी चीज़ें मिलती है। नीचे फ्यूल गेज और आपका इंजन का टेम्परेचर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो इसकी MID है वो ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। एक ये थोड़ा सा जो ड्राइव मोड के साथ जो है वो कलर चेंज यहाँ पे करती है। देखिए, जब स्पोर्ट्स में जाएगी तो रेड रेड हो जाएगी, नॉर्मल में थोड़ी ग्रीन है, मतलब इको में थोड़ी ग्रीन है, नॉर्मल में थोड़ी वॉयलेट कलर की जो है वो थीम यहाँ पे रखी गई है। आपके जो हेडलैम्प के कंट्रोल्स है वो आपको जो है सारे ऑटोमेटिक मिलते हैं, और वाइपर के कंट्रोल जो है वो भी ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के साथ जो है वो गाड़ी आपको मिलती है। अब डैशबोर्ड आप देखिए, डैशबोर्ड थोड़ा सा जो है वो मतलब कुछ हटके जो है वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रीन है उसको थोड़ा ऊपर निकाल दिया या उसको सीधा सेट किया गया, थोड़ा सा अलग है। इनोवा के जो आती है ना, इनोवा का जो स्क्रीन आती है वो ऐसे थोड़ी सी लिफ्ट अप जो है वो आती है, वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे यूज किया गया है। ग्लोसी ब्लैक कलर का जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में यूज किया गया है। पूरा जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, मिड स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। स्क्रीन की बात करें तो आपको जो रेगुलर किया की गाड़ी में आती है 10.25 इंच की वही स्क्रीन मिलती है, बट आपको जो है ये अपडेट के साथ मिलती है। इसमें काफ़ी सारी जो है वो अपडेट किया ने यहाँ पे की है। सबसे पहले तो आप कलर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको जो है वॉयलेट कलर की यहाँ पे भी थोड़ी सी थीमिंग जो है वो मिल जाती है। फीचर्स वगैरह जो है वो आपको जो गाड़ी में मिलते हैं, जो पहले आपको स्क्रीन में मिलते थे वही सारे सेम फीचर मिलते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। एक ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चीज़, ये आपका जो है वॉलपेपर नहीं है, ये एक रियल टाइम मैप है, ये बता रहा है कि अभी हम कहाँ हैं। या आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। इस स्क्रीन के साथ जो है वो आपको बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, 8 स्पीकर का जो है वो आपको गाड़ी में सिस्टम मिलता है, जिसमें आपका मिड वूफर, सब वूफर और आपके 2 ट्विटर जो है वो आ जाते हैं। इधर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये जो बटन है ये आपको टच मिलते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप जो अपने रेडियो को ट्यून कर सकते हैं, इधर से आप जो है इसको ऑन या ऑफ या वॉल्यूम जो है वो कर सकते हैं। टच बटन का होना जो है मुझे थोड़ा सा कमी लगती है गाड़ियों में, क्योंकि जब ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते टच बटन का यूज़ करता है ना, तो थोड़ा सा जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। ये हार्ड बटन ही जो है वो होने चाहिए, बट स्टेयरिंग माउंटेड जो है वो कंट्रोल आपको मिलते हैं, तो इनका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इधर आपको जो मिलता है आपका AC, वो सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको मिलेगा। ये भी छोटी सी कमी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इस रेंज की गाड़ियों में जो है वो आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने लग जाता है। यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले जो दिखाएगी कि क्या कुछ चल रहा है आपका AC का। इधर आपको जो है फैन स्पीड वगैरह के लिए बटन है, काफ़ी बढ़िया जो है क्वालिटी के बटन यूज किए हैं। क्वालिटी का आपको किया या हुंडई ग्रुप की गाड़ियों में जो है कहीं भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये थोड़ी सी खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया या ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया जाओ है होना चाहिए था। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया क्वालिटी की यूज की जाती है। इधर आपको अगेन टच बटन्स जो है वो आपके AC के रिलेटेड मिलते हैं, ये आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। AC वेंट्स वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो दिए गए हैं, जो क्रोम की लाइन है ना पूरी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत लग रही है। हजार बटन के स्विच की जो है वो प्लेसमेंट है। अब नीचे जो है वो आपको काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं। ऊपर यहाँ से शुरू करते हैं तो आपको जो है ये आपको मिलता है, जो आपके पैसेंजर साइड की जो सीट है उसको वेंटिलेटेड करने का, 3 मोड में जो है वो वेंटिलेट जाती है, फ्रंट पार्किंग सेंसर का और रियर पार्किंग जो है कैमरा का। जब इसको प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जो आपका कैमरा है वो ऑन और ऑफ जो है वो हो जाएगा। स्पीड लिमिट का इसमें कोई नहीं है, आप कितनी भी तेज़ गाड़ी चलाओ आप इसको जो है दबा के अपना पीछे देख सकते हैं व्यू क्या कुछ जो है वो चल रहा है। इधर आपके ड्राइवर साइड की वेंटिलेशन सीट का, इधर आपका जो है
जब आप हिल से उतरते हैं तो उसको ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए आपको ये बटन जो है वो दिया गया है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल। मैं इसको एक्चुअली इसका नाम भूल गया था क्या है, तो डाउन इन ब्रेक कंट्रोल का जो है वो आपको ये स्विच मिल जाता है। और ड्राइव मोड के साथ आती है, तो नॉर्मल स्पोर्ट और इको, तीन मोड जो है वो आपको गाड़ी में मिलते हैं, USB टाइप सी एंड 12 वोल्ट सॉकेट, ये तीन चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी इधर आपको जो है आपका वायरलेस चार्जिंग पैड गाड़ी में मिल जाता है, आराम से जो है आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो है आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो गाड़ी में मिलते हैं। पांच तो आपको नॉर्मल सी टाइप के पोर्ट गाड़ी में मिल जाते हैं। गेयरबॉक्स जो आप गाड़ी का देख रहे हैं, हम डीजल गाड़ी में बैठे अभी 1.5 लीटर, तो ये आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टोन कन्वर्टर के ऑप्शन के साथ जो है वो आपको मिलती है। एक अच्छी बात क्या है कार इंच की, आपको टॉप एंड में भी जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है डीजल के साथ, और 1.4 टर्बो के साथ, दोनों के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इधर आपको जो है PR&D की बैजिंग है, जब आप इसको नीचे करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे। इधर आप स्पोर्ट वगैरह में और अपने मैनुअल जो है वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको पार्किंग में लगाते हैं। आपको दो कप होल्डर मिलते हैं, और जो इसकी कूलिंग है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट जो है कर पा रहे होंगे, ये ठीक है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है, आपको जो है आर्मरेस्ट गाड़ी में यहाँ पे मिल जाता है, एडजस्टेबल जो है वो नहीं होगा। एक ट्रे का जो है ऑप्शन मिलता है, और इसको अगर आप हटाएंगे तो स्पेस जो है वो आपको इसमें मिल जाता है, ठीक ठाक है। आराम से आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें तो जो है वो गाड़ी में रख पाएंगे। ग्लोव बॉक्स की तरफ चलते हैं। ग्लोव बॉक्स आप देख सकते हैं, कोई भी कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं मिलेगा, और जो साइज़ है वो थोड़ा सा जो है वो गाड़ी के हिसाब से छोटा मिलता है, बट ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आप रख सकते हैं। इधर आपको कप होल्डर मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी की, ओवरऑल जो है वो काफ़ी ठीक लग रही है। इधर आपको जो है ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है, और आपको थोड़े से जो है वो बटन मिल जाते हैं, और यहाँ दिखाऊँ तो वैनिटी मिरर है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। इधर आपकी जो है लाइट्स है, सनरूफ को ओपन करने के लिए जो है वो आपको बटन है। इधर आपका सनग्लास रखने के लिए जो है स्पेस दिया गया है, ये इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर जो है वो मिल जाता है, और दोनों ही जो आपके सनवाइज़र है वो एडजस्ट नहीं होते, काफ़ी सारा स्पेस जो है वो ये छोड़ देते हैं। तो यही था इंटीरियर में। ओवरऑल अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंटीरियर जो है गाड़ी का ग्लोसी ब्लैक कलर होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो चमकता चमकता दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, ऐसी बात नहीं है आपको बढ़िया नहीं दिखेगा, बट जब गाड़ी गंदी होगी तब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो इसके साथ हो सकती है। बाकी ओवरऑल ठीक है, जो सारी बटन्स वगैरह है वो सारे बढ़िया जगह पे जो है वो प्लेस किए गए, आराम से जो है आप एक्सेस यहाँ पे कर पाएंगे। अब बात आती है सेफ्टी की। सेल्टोस के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी है, तो 3 स्टार रेटेड जो है वो सेल्टोस आई थी, तो किया ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बढ़िया जो है वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया है। क्या इम्प्रूवमेंट किया है कि आपको बेस टू टॉप जो है सारे सेफ्टी फीचर मिलेंगे, 10 हाई सेफ्टी पैकेज जो है वो किया है इसको कहता है। क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल गाड़ी में मिलेगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको जो है गाड़ी में मिलेगा, BASHAC मतलब आपका जो हिल होल्ड वाले जो फीचर्स है वो आपको मिलेंगे, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल जैसा मैंने आपको दिखाया वो आपको मिलने वाला है, सारे डिस्क आपको जो है वो मिलेंगे, मतलब चारों टायर में आपको डिस्क गाड़ी में मिलने वाले हैं। आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो गाड़ी में मिलेगा, और ABS रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको बेस टू टॉप नहीं मिलेंगे, वो आपको टॉप एंड्स में जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, बाकी रियर पार्किंग सेंसर ABS EBD जो है वो आपको सभी वेरियंट्स में देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी बढ़िया जो है वो काम किया है किया ने, क्योंकि सेल्टोस की जब से रेटिंग आई तो थोड़ा सा जो है वो लोग किया के ऊपर भरोसा कम हो गया था, बट कैरेंस को लेते टाइम आप अगर बेस मॉडल भी लेंगे तब भी आपको जो है कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। तो चलिए अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इंजन ऑप्शन मिलेंगे, कितनी पावर जनरेट करेंगे, और गाड़ी के प्राइस के बारे में जो है वो भी आगे चल के जो है वो बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब गाड़ी के इंजन की। ये जो आप वेरियंट देख रहे हैं ये टॉप एंड है डीजल ऑटोमेटिक वेरियंट, इसमें आपको 1.5 लीटर का जो है वो डीजल इंजन मिलता है, जो कि आपको सेल्टोस में देखने के लिए मिलता है, आपकी क्रेटा वगैरह में जो है ये वाला इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। पूरी जो ओवरऑल लुक है वो आप देख सकते हैं, पूरा बढ़िया से जो है वो सारी चीज़ों को कवर किया गया है। ऊपर इंसुलेशन मटेरियल आप देखिए, तो इंसुलेशन मटेरियल का काफ़ी बढ़िया यूज किया गया है। अगेन
गाड़ी में जो है वो आपको डीजल इंजन की नॉइस बिल्कुल आएगी, बट उतनी ज़्यादा जो है वो आपको नहीं आएगी। नीचे आपको इंजन प्रोटेक्टर वगैरह जो है वो भी सारी चीज़ें गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। अब बात आती है पावर फिगर्स की कि गाड़ी जो है वो इस इंजन के साथ पावर कितनी जनरेट करेगी। तो अगेन जो आपकी अल्टोस में जो इंजन आता है और इसमें करेंस में जो इंजन आता है, करेंस में पावर फिगर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 115 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस डीजल इंजन के साथ जो है वो आपको इतना मिलेगा। बाकी अगर आप 1.4 लीटर का पेट्रोल टर्बो लेते हैं तो उसमें आपको 240 न्यूटन मीटर के आसपास जो है वो टॉर्क मिलेगा। और टॉप एंड है इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन जो है वो गाड़ी में नहीं मिलेगा। बाकी रियल टाइम में देखते हैं कि 7 बंदे बिठा के जो है वो गाड़ी अंडर पावर फील होती है नहीं होती है, क्या कुछ जो है वो गाड़ी रिस्पॉन्स करती है। अल्केजार में आपको एक जो बढ़िया चीज़ मिलेगी वो आपको वहाँ पे 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो है वो मिल जाता है, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो आपको बढ़िया पावर जनरेट करके देगा। अब बात आती है कि प्राइस जो है वो क्या होगा। फीचर्स काफ़ी सारे जो है वो गाड़ी में मिलते हैं, इंजन ऑप्शन, गेयरबॉक्स ऑप्शन, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। एक्सपेक्टेड प्राइस की जो है वो मैं बात करूंगा, अभी तक कोई प्राइस गाड़ी का रिवील नहीं हुआ है। 13 लाख से और 20 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस जो है वो गाड़ी का मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जो अल्केजार है वो आपकी टॉप एंड जो पड़ती है ऑन रोड गुड़गांव में वो 23 लाख रुपए के समथिंग जो है वो पड़ती है, तो 22-23 लाख के आसपास ही जो है वो गाड़ी का प्राइस आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो डायरेक्ट अल्केजार से है, सेम ही जो है वो आपको गाड़ी में चीज़ें मिलने वाली है, उसी के कंपटीशन की गाड़ी आपको ये देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये थी किया कैरेंस, फीचर्स जो है वो हमने आपको बताए, प्राइस जब आएगा तो एक बार हम जो है पिन कर देंगे अपने चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो प्राइस की लेके जरूर आएंगे। फीचर्स हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको कैसे लगे गाड़ी की ओवरऑल लुक जो है वो आपको कैसी देखने के लिए लगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है कि आप कैरेंस के बारे में, तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे जो है वो आपके फ्लैश कर रहा होगा। तो अगर आपने वीडियो जो है यहाँ तक देख लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया कैरेंस के सभी वेरिएंट की जो है वो वीडियो आपके लिए मिलेगी, और जल्दी आपको जो है इसका 6 सीटर वेरिएंट जो है, जो टॉप एंड में आपको 6 सीटर का ऑप्शन मिलता है, उसकी वीडियो भी जो है जल्दी हमारे चैनल पे आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।